फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी एंड वेलकम बैक टू राखीज़ रसोई। आज हम गणेश जी के लिए चूरमा लड्डू बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए एक परात में 2 कप गेहूं का आटा ले। तो यहाँ पर मैंने जो गेहूं का आटा लिया है वो थोड़ा दरदरा है, यानी सेमी कोर्स। इससे लड्डू थोड़े दानेदार बनेंगे। इसी कप से हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, 1/4 कप बेसन ऐड करें और 1/4 कप सूजी ऐड करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं हो तो आप सूजी 1/2 कप कर ले। इसे अच्छे से मिक्स कर दे और 1/4 कप मोयन डालें। तो यहाँ पर मैं घी का मोयन डाल रही हूँ, आप चाहे तेल का मोयन भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा आटा ले और मुट्ठी में टाइटली क्लोज कर दे। अगर ये मुट्ठी का शेप ले रहा है, यानी इसमें मोयन परफेक्ट है। अगर आपका आटा नहीं लेता हो तो आप 1 से 2 टेबल स्पून और मोयन डाल दे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें सख्त आटा गूंदना है। जैसे हम भाकरी बनाने के लिए एकदम सख्त आटा गूंदते हैं, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एकदम सख्त आटा गूंदें। ये देखिए, ये मैंने सख्त आटा गूंद लिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल लें। मसलने के बाद आप देखिए, इस तरह से आटा तैयार हो चुका है और इन टोटल मैंने 3/4 कप पानी यूज़ किया है। अब आटे को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद आटे को फिर से मसल ले। अब हम इस आटे को तलेंगे। तो तलने के लिए इसमें से छोटे छोटे लोए बनाएंगे। लोए को फिर से मसल ले और हथेली के बीच में रख के इसे मुट्ठी का शेप दे दे। फ्रेंड्स, ये मुट्ठी का शेप देना एक पारंपरिक तरीका है बनाने का। आप चाहे इसे नॉर्मल राउंड फ्लैट शेप भी दे सकते हो। मुट्ठी का शेप देने से जब हम इसे तलेंगे तो यह अंदर तक क्रिस्पी बना रहेगा। इस तरह आप सारे आटे का लोया तोड़ ले और इस तरह मुट्ठी का शेप दे दे। साइड में मैंने घी को गरम करने रख दिया है। घी जैसे ही गरम हो जाए, गैस का फ्लेम एकदम स्लो करें और 3 से 4 मुठियाँ डालते हुए इसे हम स्लो फ्लेम पर तलेंगे। यहाँ पर आप फ्लेम पर खास ध्यान दें। जितना स्लो फ्लेम पर आप इसे तलोगे, ये उतने ही अंदर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलोगे तो ये बाहर से बहुत ही जल्द गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर ये कच्चे रहेंगे। तो ये बात पर आप खास ध्यान दें, मुठिये को एकदम स्लो फ्लेम पर तले और ये इस तरह गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसे एक प्लेट में निकाल दें। इसी तरह आप बाकी बचे मुठिया को भी तल दें। एक बैच के मुठिया तलने में मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लगे हैं। मुठिया तलने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए पहले हम इसे क्रम्बल कर देंगे। क्योंकि ये थोड़े गर्म है, मैं इस तरह प्रेस करते हुए इसे क्रम्बल कर रही हूँ। ये थोड़े ठंडे होने पर हाथ से ही आप इसे तोड़ दें। अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दें और इसे ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद आप देखिए, इस तरह से आटा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं की चन्नी ली है। थोड़ा थोड़ा आटा डाल दे और इसे छान ले। इस तरह छानने से जो मुठिया थोड़े बड़े पीसेस रह गए हैं वो निकल जाएंगे और हमें एक समान लड्डू का आटा तैयार मिल जाएगा। आप देखिए, आटा एकदम परफेक्ट है। लड्डू में स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे जायफल। तो यहाँ पर मैं एक जायफल ले रही हूँ और खींचने से इस तरह आप खींच ले तो फ्रेश जायफल का पाउडर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा जायफल को खींच लिया है। आपको जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए उसके हिसाब से आप ज़्यादा ऐड कर दें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दें और यहाँ पर हम 3/4 कप से 1 कप गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को इस तरह आप बारीक चॉप कर लें। चॉप करने के बाद हम इसे मेल्ट करेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और उसमें 1/4 कप घी, यानी जो घी हमने तलने के लिए लिया था, उसमें से सारा घी मैंने निकाल दिया है और सिर्फ 1/4 कप घी रहने दिया है। और उसी में हम सारा गुड़ ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे हम मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे।
लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ऊपर बबल्स दिख रहे हैं। बस हमें उतना ही गुड़ को कुक करना है। गैस बंद कर दे और गुड़ को तुरंत ही लड्डू के आटे के ऊपर डाल दे। क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, झरने से पहले इसे मिक्स करें। जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाए, झरने को साफ कर दे और इसे दोनों हाथ से ही अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करें। जैसे आप मिक्स करोगे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा ड्राई लड्डू पसंद है तो ये परफेक्ट है, लेकिन मुझे ये लड्डू काफ़ी सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं 1/4 कप से थोड़ा कम घी और ऐड करती हूँ। इसे हम और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर कई लोग दूध ऐड करते हैं और लड्डू बांधते हैं, लेकिन दूध ऐड करने के बाद लड्डू की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। आप इस तरह घी ऐड करें और एकदम सॉफ्ट लड्डू बनाइए। यहाँ पर मैं लड्डू के साइज मीडियम रख रही हूँ। आप देखिए इस तरह मैंने लड्डू बना लिया है। अब हम इसे पॉपी सीड्स यानी खसखस से कोट करेंगे। तो एक प्लेट में खसखस ले लें और लड्डू को उसके ऊपर रोल करें और फिर हल्के हाथ से इसे प्रेस करें तो खसखस लड्डू को स्टिक हो जाएगा। इस तरह आप बाकी बचे लड्डू बना लें। तो ये रही चूरमा लड्डू की रेसिपी। आज मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल यूज नहीं किया। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते। तो ये गणपति पर आप चूरमा लड्डू जरूर ट्राई करिए और गणपति जी को भोग लगाइए। साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।